आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सुनिए तो, आपका पर्स गिर गया था। अरे ये तो ऐसे भाग रही है जैसे कोई महाकांड करके भाग रही हो। परमजीत क्यों है, कौन थी ये औरतें? मेरे ख्याल से मेहंदी भाई थी ना। अरे पर ऐसे भाग क्यों रही थी जैसे पता नहीं कोई चोरी की हो। सोमी बच्चा गोद लेना चाहता है, उसका बड़ा भाई हूँ यार। बचपन से उसने एक बात नहीं छुपाई मुझसे, और इतनी बड़ी बात उसे उसने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्या इतना बुरा हो गया हूँ मैं? रोमी नफरत करता है मुझसे यार, he hates me। ऐसा नहीं है, आई थिंक रमन वो आपसे शेयर करना चाहता होगा, लेकिन आपकी खुद की जिंदगी में कितनी उथल पुथल चल रही है। एक तरफ वो पीहू का केस, फिर रोशनी की प्रेगनेंसी। हो सकता है वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा होगा। होता है ना, कुछ बातें हम तब डिस्कस करना चाहते हैं जब सब कुछ ठीक हो। वो क्यों छुपाएगा आपसे कुछ भी? रमन आपको परेशान नहीं करना चाहता होगा बस। तुमने सुना नहीं इश्ता, रोमी को लगता है कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी खुशियां छीनना चाहता हूँ। छोटा भाई है मेरा, बचपन से उसे बड़े भाई की नहीं बाप की तरह पाला है मैंने। उसकी गलतियों को सुधारा है, जिंदगी भर गाइड किया है उसे। एक्चुअली वो सही तो कह रहा है, मैं आदि के गम में इतना डूब चुका था कि मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। खुद घर सो गया था, मैं बस अपने दर्द का जिम्मेदार सबको समझता था। मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, मेरा भाई नफरत करता है मुझसे, और यही सच है। I'm sorry, रमन, जो भी हो रहा है उसके लिए। It's okay, मैं सोमी को मैं संभाल लूंगा, समझा दूंगा उसे। ये पता रोशनी कहाँ है, तुम उसे छोड़ के बाहर क्यों आई? हाँ, वो रोशनी को दरअसल कपड़े बदलने थे, वो वॉशरूम में है। मैं उसके कपड़े लेने जा रही थी कार तक। मैंने दरअसल रूही को पहले कांटेक्ट किया था, पर खैर मैं लेकर आती हूँ। चाबी तो मैं ले आता हूँ। हाँ, ये तो घर की चाबी है। गाड़ी की चाबी? आई थिंक गाड़ी की चाबी अंदर कमरे में कहीं होगी। आई विल हैव टू गो एंड सी, पता नहीं कब। हैप्पी नाउ। वो उस रूम की तरफ जा रहे हैं। तब तो वो तड़प के बेहोश हो गई होगी गर्मी से। उसका जो होगा सो होगा, पर हम फंस जाएंगे। पूरा परिवार ऊपर आए इससे पहले हमें निकलना होगा। तुमने दरवाजा बाहर से क्यों बंद किया हुआ है? मैंने नहीं किया रमन, रोशनी तो निकली भी नहीं है ना यहाँ से बाहर। ताला कैसे लगा? मुझे क्या पता, कोई था नहीं। रोशनी अंदर ही है पक्का ना? हाँ रमन, रोशनी घर। रोशनी तुम रोशनी तो फंगस है। रोशनी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है रमन? रोशनी रमन कुछ तो गड़बड़ है। रमन रोशनी को निकालना होगा बाहर। रमन एक मिनट रुको, मैं कुछ ढूंढता हूं। रमन वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, वो अंदर से दरवाजा बंद है, उसको घुटन होती है रमन। ओके डोंट वरी, डोंट डू यू कैन नो, मैं कुछ ढूंढता हूं। रोशनी आवाज दो, तुम ठीक हो? भगवान मैं क्या, Thank you.
सॉरी आपको। सॉरी हरी सर। अरे सुनिए सुनिए तो। आपका पर्स गिर गया था। अरे ये तो ऐसे भाग रही है जैसे कोई महाकांड करके भाग रही हो। परमजीत क्यों है आप? कौन थे ये औरतें? मेरे ख्याल से मेहंदी भाई थी ना। अरे पर ऐसे भाग क्यों रही थी जैसे पता नहीं कोई चोरी की हो। माँ माँ वो रोशनी वाले कमरे की दूसरी चाबी। तू चाबी था की करना है? अरे उसका जवाब दोनों है। ओ, तेरे कमरे में ही तो थी। मैं इतना ढूंढ लूंगा। अरे पापा हुआ क्या है? जीजू को अचानक रोशनी के कमरे की चाबी क्यों चाहिए? एक मिनट मैं देखती हूँ। मैं भी देखती हूँ। नहीं नहीं दादी आप यही रुको, बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, आप उनकी देखभाल करो सब। गुड आइडिया। तुम जल्दी जाओ। मैं देखती हूँ। हाँ भी ठीक है। रमा जल्दी आओ ना। क्या हुआ? प्लीज खोलो दरवाजा। कैसे चाबी नहीं मिली मुझे? मैं नहीं जाती। खोलो दरवाजा। कैसे करो ये? इसे रोशनी अब नहीं है निकालने के बाद। तो रोशनी रोशनी रमन बाथरूम में। देखो देखो खोलो। रोशनी 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 उठो रोशनी उठो प्लीज। रोशनी बेहोश हो गई है। बेहोश हुई है रोशनी। रोशनी उठाओ उसको। इसको रोशनी उठाओ। रूही जल्दी से खिड़की खोलो ना, हवा आने दो अंदर। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अम्मा रोशनी इससे पट्टी कर दो। ओह गॉड इसकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। किसी ने डॉक्टर को बुलाया या नहीं? रमन कर रहा है। बस डॉक्टर साहब आ रहे हैं। रोशनी प्लीज आंख खोलो। रोशनी रोशनी करना आई थिंक सबको बाहर जाना चाहिए। रोशनी को थोड़ी फ्रेश एयर की जरूरत है। हाँ रूही हम दोनों मिलकर रोशनी का चेंज करवा देते हैं। तुम संभाल पाओगी? हाँ माँ मैं और रूही कर लेंगे, डोंट वरी। सांदोशी रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा रोशनी को और बेबी को। खावल फटा दे। आपने तो गोद भराई की रस्म रखी थी कि बच्चे की सलामती के लिए, लेकिन उसके ऊपर तो एक के बाद एक परेशानी आ रही है। ऐसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी मेरे बच्चे की रक्षा कर। अच्छा सोचो अच्छा सोचो। गॉड नोस कौन है जो बच्चे के पीछे पड़ा है। ये मेरे आदि की आखिरी निशानी है और जो भी इस बच्चे का बुरा चाहता है ना, that person has to answer to me. जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। हमें लगा कि पीहू ने गलती से वो मार्बल्स गिराए थे, but this is intentional. जानबूझकर किया है ये सब, और फिर पेड़ों में वो फंगस। कोई चाहता है कि रोशनी इसे खाए और बीमार पड़ जाए। Just don't get it. कौन हो सकता है? अब शांत हो जाइए, अब सब यहीं रुके प्लीज। आप आइए प्लीज। जी जी आइए प्लीज। डोंट वरी शी इज ऑल राइट। आपने बताया था ना कि रोशनी क्लास्ट्रोफोबिक है, तो बाथरूम में बंद होने की वजह से इसे पैनिक अटैक आया और इसी वजह से ये बेहोश हो गई। आर यू श्योर? नहीं तो आप कहें तो हम हॉस्पिटल में एडमिट कराते। देयर इज नथिंग टू वरी। उसे
तीन चार दिन बेड रेस्ट की जरूरत है और ध्यान रखिएगा कि उसे बिल्कुल स्ट्रेस ना हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है, आज ना माता रानी की वजह से हमारा बच्चा और रोशनी दोनों ठीक ठाक है। मैं ना दिया जला कर आती हूँ, आप सब भी आओ ना। डॉक्टर थैंक यू सो मच, आप इतने जल्दी आ गए, थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके, डोंट वरी, शी विल बी ऑलराइट। या थैंक्स, टेक केयर। गॉड नोस कौन है जो बच्चे के पीछे पड़ा है, मेरे आते-जाते आखिरी निशान है। हमें लगा कि टीम ने गलती से वो मार्बल्स गिराए थे। पापा मैंने कई दिनों से ब्रेन पीटा खेला ही नहीं है, पर दिस इज इंटेंशनल, जानबूझकर किया ये सब। और फिर पेड़ों में वो फंगस, कोई चाहता है कि रोशनी इसे खाए और बीमार पड़ जाए। जस्ट डोंट गेट इट, कौन हो सकता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।